इसमें एक्सपेरिमेंट नंबर वन विच इज गैस एक्चुएटेड बकवल्ज रिले फॉर ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर। तो यही एक्सपेरिमेंट हम लोग आज करेंगे, जिसका लैब मैनुअल है इसे लिख लेना है फाइल बना करके। और ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर वन है, ठीक है। ये है बकल्ज रिले, ये दिखाई दे रहा है सभी को? तो इसमें देखो एक ग्लास विंडो है, इसी से हमें ऑयल का लेवल दिखाई देता है। जैसे ही लेवल डाउन होगा हमारे फ्लोट जो है वन बाय वन वर्क करेंगे। ये हमारा क्या है, कंजर्वेटर एंड दिस इज ट्रांसफार्मर टैंक, ठीक है। तो जैसे ट्रांसफार्मर टैंक में अगर कोई फॉल्ट होगा तो यहाँ से गैस कहाँ एक्यूमुलेट होगी, यहाँ बकलजी रिले में। और जैसे गैस का अमाउंट इंक्रीज होगा ऑयल का लेवल डाउन होगा और हमारा अलार्म और ट्रिपिंग सर्किट वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल मैनुअल है, इसे पढ़ लेना। फिर उसके बाद हम अगर खोलें वर्चुअल प्लेटफॉर्म को, ये मैंने बताया था कि कैसे, ये हमारी लैब है वर्चुअल पावर लैब, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स अगर हम खोलें तो देखो एक्सपेरिमेंट नंबर सिक्स इज टू स्टडी द गैस एक्चुएटेड बकल्स रिले फॉर ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हम करेंगे सबसे पहले, ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर वन है। तो फाइल एक तैयार करोगे जिसमें आज की डेट में क्या लिखोगे, बकल्ज रिले, यानी टू स्टडी द गैस एक्चुएटेड बकल्ज रिले फॉर ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर एज एक्सपेरिमेंट नंबर वन। ये आपका क्या है, एक्सपेरिमेंट नंबर वन है, ठीक है। तो इसे चलो हम लोग ओपन करते हैं। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव, इसमें वन बाय वन सब कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले क्या है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू स्टडी द गैस एक्चुएटेड बकल्ज रिले फॉर ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर। सो इक्विपमेंट्स क्या है, व्हाट आर डिफरेंट इक्विपमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड। तो बकल्ज रिले सेटअप है, कंप्लीट सेटअप है, लैब सेटअप है ये, जिसका पिक्चर है। और ये 100 वॉट लैम्प है, पावर सोर्स है यानी कि लोड। सो नेक्स्ट इज द ब्लॉक डायग्राम। तो ये देखो, ये है कंजर्वेटर, ट्रांसफार्मर टैंक और रिजर्वायर और कंट्रोल यूनिट इन द फॉर्म ऑफ लैम्प, ठीक है। तो ये क्या हो, यहाँ पे हमारा क्या है, इन बिटवीन कंजर्वेटर एंड ट्रांसफार्मर थ्रू वॉल्व V1 एंड V2 हमारा क्या कनेक्टेड है, बकल्ज रिले। V3 कनेक्टेड है ट्रांसफार्मर टैंक और रिजर्वायर से, इसमें ऑयल फील्ड होता है फॉर यूज इन फ्यूचर और टू ड्रेन द ऑयल फ्रॉम द ट्रांसफार्मर। सो ये V1 और V2 इससे कनेक्टेड है हमारा बकल्ज रिले, कंजर्वेटर से और ट्रांसफार्मर टैंक से। V3 इज बिटवीन रिजर्वायर एंड ट्रांसफार्मर टैंक। दिस इज द सिंपल ब्लॉक डायग्राम ऑफ द बकल्ज रिले सिस्टम। देन थ्योरी एंड प्रोसीजर। तो थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी है कि कैसे ये वर्क करता है, ठीक। वर्किंग प्रिंसिपल भी हमने पढ़ा देखा, ठीक है। ये उसी का एक और डायग्राम है मोर। फिर उसके बाद स्टेप्स, तो प्रोसीजरल स्टेप्स। बकल्ज रिले वॉल्व V1, डिफरेंट वॉल्व को इंडिकेट किया गया है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डिफरेंट वॉल्व। तो वॉल्व V1 इज बिटवीन बकल्ज रिले टू ट्रांसफार्मर एंड वॉल्व V2 इज इन बिटवीन कंजर्वेटर टू बकल्ज रिले। वॉल्व V3 इज बिटवीन रिजर्वायर टू ट्रांसफार्मर टैंक। वॉल्व V4 इज फॉर द ऑयल रिलीज इन द बकल्ज रिले विच इज टू द लेफ्ट साइड ऑफ द बकल्ज रिले। अगर हमें ऑयल को निकालना है, ड्रेन करना है बकल्ज रिले के, तो उसके लिए वॉल्व V4 यूज करेंगे। एंड इफ वी हैव टू रिलीज द एयर और द गैस फ्रॉम द बकल्ज रिले देन वी विल यूज द वॉल्व V5 विच इज टू द राइट साइड ऑफ द बकल्ज रिले। देन डिफरेंट स्टेप्स, स्टेप वन क्या है, keep all the front panel switches in off condition. If any pressure is present in the relay, release it first using valve V5. ठीक है, तो valve
V5 को यूज करके अगर कोई भी एयर प्रेशर है पहले इनिशियली, तो हम उसे रिमूव करेंगे. एंड ऑल्सो यूज द हैंड वॉल विच इज प्रेजेंट ऑन द रिजर्वायर टू रिलीज द प्रेशर फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट. ठीक है, तो और कोई प्रेशर है अगर कहीं पे, तो उसे हम V5 से रिमूव करेंगे. देन हैंड वॉल से रिमूव करेंगे. देन थर्ड स्टेप इज द मेन पावर सप्लाई कॉर्ड इज कनेक्टेड एट द बैक साइड ऑफ द बकल्स रिले सेटअप. क्लोज ऑल वॉल्स एक्सेप्ट V2. V2 कौन सा वॉल है? कंजर्वेटर टू बकल्स. ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, बाकी सबको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे. क्लोज क्लोज ऑल वॉल्स एक्सेप्ट V2. फिल द ऑयल इन द बकल्स रिले बाय यूजिंग फुट पंप बाय लिटिल ओपनिंग ऑफ द वॉल V5. ओनली इफ एयर लॉक इज प्रेजेंट इन द रिले. तो अगर एयर लॉक है कोई, तो हम क्या करेंगे, और ऑयल प्रेजेंट प्रेस करेंगे जिससे कि वो एयर लॉक रिमूव हो जाए, एयर बबल वगैरह है अगर कुछ. देन स्विच ऑन द पावर सप्लाई. स्विच ऑन द बजर टॉगल स्विच. ओपन द वॉल V1 स्लाइटली. V1 यानी कि बकल जी रिले टू ट्रांसफॉर्मर टैंक. ये जब हम ओपन करेंगे तो जो गैस बन रही है वो हमारी बकल जी रिले में आएगी. ओपन द वॉल V1 स्लाइटली एंड डिक्रीज द ऑयल लेवल मैनुअली बिलो द पर्टिकुलर लेवल बाई केयरफुली सीइंग द ऑयल लेवल इन द बकल जी रिले. नाउ द अलार्म कॉन्टैक्ट विल बी क्लोज एंड द बजर विल ऑपरेट इन कंट्रोल पैन. ठीक है, तो ये मैनुअल है हमारा. हम क्या करेंगे, ऑयल लेवल को डिक्रीज करेंगे, और जैसे ही ऑयल लेवल डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली सबसे पहले अलार्मिंग सर्किट ट्रिप होगी, फिर उसके एक्चुएट होगी, फिर उसके बाद ट्रिपिंग सर्किट फर्दर अगर हम डिक्रीज करें. आफ्टर गेटिंग द अलार्म इंडिकेशन क्लोज द वॉल्व V1. फर्स्ट रिलीज द वॉल्व V1 एंड V3 एंड कलेक्ट द ऑयल इन द रिजर्वायर. देन फॉलो स्टेप 2 to 8 अगेन. After completion of experiment, open all the valves, including hand valves, except V4 and V5, to release the air pressure inside all the tanks. ठीक है? तो this is the theory and procedure. इसी को हम simulation में देखें अगर, then this is the simulation of Bakalji relay for incipient fault, and then second is the simulation of Bakalji relay for severe fault. तो ये हमारा सेटअप है. दिखाई दे रहा है सभी को? अब दिख रहा है सभी को? ओके, सुनाई दे रहा है सभी को? यस सर. तो ये सेटअप दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर. दीज आर द प्रोसीजर्स. क्लोज वॉल्व V2, क्लोज वॉल्व V3. V2 और V3 ये दोनों है, इसको हम क्लोज करेंगे. ऑब्जर्व लेवल. अब ये देखो लेवल यहाँ नीचे इंडिकेट कर रहा है, जैसे ये 100 हुआ हमारा क्या हुआ, अलार्म रेज हो गया. ठीक है, दिस इज फॉर द इंसिपिएंट फॉल्ट. तो अगर हम लोग फिर से देखें कि ये जो ग्रीन है अलार्म, ये क्या होता है, रेड हो जाएगा जैसे ही 100 हो जाएगा हमारा लेवल जो डाउन होगा. ठीक है, देखो अब नहीं डाउन हो रहा है. क्यों? क्योंकि कंजर्वेटर से ऑयल, ये जो ऑयल है वो क्या हो रहा है, ये कंजर्वेटर V1 क्या है, ओपन है. तो क्या हो रहा है, प्रेशर, ड्यू टू प्रेशर लॉक क्या हो रहा है हमारा, सब कुछ स्टेशनरी हो गया है, यानी कि वो लेवल जो है वो डाउन नहीं हो रहा है. जब ऑयल एक्सेस, जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो कंजर्वेटर में जाएगा. कंजर्वेटर का फंक्शन क्या होता है, किसी को मालूम है? अनम्यूट करके बोलो अरुण.
हाँ सर, ऑयल स्टोर करता है ना कंजर्वेटर। हाँ जो ट्रांसफार्मर से ऑयल फ्लो से फ्लो होता है सर, कंजर्वेटर में जाता है वो। जी वही। हाँ देखो जैसे हीट होता है ट्रांसफार्मर में, हीटिंग इफेक्ट होता यस है, सर, तो उससे जो ऑयल यस होता है सर, वो भी एक्सपेंड करता है। तो एक्सपेंड यस सर। करता है तो क्या होगा, वो कहाँ मैक्सिमम जाएगा, मल्टी एक्सपेंड मल्टी क्योंकि पॉइंट पे जैसे अगर वो, कहीं जाएगा नहीं, हम स्पेस नहीं देंगे तो वो एक्सपेंड होगा और ऑयल टैंक बस्ट हो सकता है। ठीक है, तो यस सर, वो कंजर्वेटर में जाता है, यानी वो ओपनिंग पाथ यस हम सर, प्रोवाइड करते हैं और उसी के बीच में हमारा बकल ड्रिल है। तो ये देखो वॉल्व V1 इज ओपन, ठीक, तो क्या हो रहा है, ये ऑयल जो हमारा एक्स्ट्रा ऑयल जो एक्सपेंड हुआ है वो कंजर्वेटर में नहीं जा रहा है, इसलिए जो गैस है वो लेवल जो है वो डाउन नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम इसे हाँ ये देखो, ठीक है, जैसे ही हमने V1 को क्लोज किया हमारा लेवल क्या हो गया, डाउन होने लगा, और जैसे ये 100 पहुंच गया, क्योंकि 100 पे सेट है, प्री सेट है, वैसे ही हमारा अलार्म क्या हो गया, रेज्ड हो गया। ठीक है, फिर से देखो ये अब लेवल डाउन होना फिर से बंद हो गया। ठीक है, क्योंकि ऑयल हमारा कंजर्वेटर में नहीं जा रहा है इसलिए, ठीक, यानी गैस यहाँ एक्यूमुलेट नहीं हो रही है। तो सेकंड सेटअप इज सिमुलेशन ऑफ बकल जी रिले फॉर सीवियर फॉल्स। ठीक है, यह सेकंड यस सर, सिमुलेशन है, क्लोज वॉल V1 एंड V2, V1 और V2 को हम क्लोज करेंगे, क्लोज वॉल V3 और V3 को भी क्लोज करेंगे, तीनों को क्लोज करेंगे तो क्या होगा, ऑब्जर्व रिडक्शन इन ऑयल लेवल इन रिले। ठीक है, इफ ऑयल लेवल रिडक्शन इज ग्रेटर देन 100 देन अलार्म लाइट ब्लिंक, इफ ऑयल लेवल रिडक्शन इज ग्रेटर देन 300 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर देन ट्रिप सर्किट लाइट ब्लिंक। ठीक है, तो 100 के बाद ये अलार्म सर्किट ब्लिंक होगा और 300 के बाद ये ट्रिप सर्किट ब्लिंक होगा। तो V1 V2 और V3 को हमने क्लोज किया, तो देखो ये लेवल बढ़ना शुरू हो गया, 100 के बाद ये अलार्म रेज हो गया और अभी इंक्रीज कर रहा है, दिखाई दे रहा है सभी को, तो यस सर, इसे यस खुद से सर, भी करना है बेटा। ये डिफरेंट जो वॉल्स है V1 V2 V3, इनकी सेटिंग्स को चेंज करके हम ये लेवल जो ये इसमें लेवल बकल जी रिले है, इसमें लेवल देखो ये येलो से इंडिकेट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है ऑयल का लेवल। ठीक है, तो देखो ये ट्रिपिंग सर्किट को अलार्म हो जाना, रेड हो जाना चाहिए, लेकिन रेड नहीं हो रहा है, कुछ फॉल्ट है इसमें, इस सिमुलेटर में, क्योंकि अभी टैंक एम्प्टी हो गया है। ठीक, टैंक पूरी तरह से एम्प्टी है लेकिन ट्रिप सर्किट रेड नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें कुछ फॉल्ट है, इसे रेड हो जाना चाहिए आफ्टर 300। अब देखो रेड हुआ, इसका मतलब हम इसको रिफ्रेश कर दें, अगर V2 और V3 को हम क्लोज करेंगे तो लेवल डाउन नहीं होगा, और V1 को करेंगे तो लेवल डाउन होना शुरू हो गया और 100 पे अलार्म हो गया, फिर उसके बाद फिर से डाउन होना बंद हो गया। अब फर्दर डिक्रीज हो रहा है लेवल, जब लेवल 300 हो गया है तब हम V1 को बंद करेंगे, अब ये ट्रिप हो गया। ठीक है, तो आफ्टर ओपनिंग दी V1 दी ट्रिप सर्किट विल बी एक्चुएटेड। ओके, सो दिस इज दी सिमुलेशन ऑफ बकल जी रिले। इसमें देखो डायग्राम वीडियो भी है, मैं शेयर कर रहा हूँ फिर से।
here we have video of this experiment also. If we see the video one, ये दिखाई दे रहा है सभी को? जी सर, यस सर. ये कंजर्वेटर है हमारा, वॉल्व है, ग्लास विंडो, एंड देन ट्रांसफार्मर टैंक. ये देखो लेवल, ठीक है, तो इस वॉल से एयर को सब रिमूव किया गया है. फिर उसके बाद ये लेवल है, लेवल क्या होगा, डाउन हो रहा है, मैनुअली किया जा रहा है. ये ठीक है बेटा, तो इसे खुद से करना. ये जो वॉल्व है, डिफरेंट वॉल्व ओपनिंग्स है, उसे एडजस्ट करके लेवल को स्टडी करना, ठीक है. और ये एक्सपेरिमेंट आज की डेट में फाइल बना करके लिख लेना, दिस इज द एक्सपेरिमेंट नंबर वन. ठीक है, तो सिलेबस हम लोग देखें अगर अपना एक बार फिर, देन हम लोगों ने ये कवर कर लिए ये टॉपिक्स. ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा, थर्मल रिलेज एंड गैस एक्चुएटेड रिले. फिर उसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचता है जिसका मैं मटेरियल आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा,
आप लोग खुद से पढ़ेंगे, ये सिंपल है, इसमें केवल थ्योरी है और उसको पढ़ना है। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे सेकेंड यूनिट, मीन्स रिले एप्लीकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें एम्पलीट्यूड एंड फेज कंपेरेटर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी सर। तो ये जो लास्ट टॉपिक बचा है यूनिट वन में, डिजाइन कंसिडरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसके नोट्स मैं दे दूंगा नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे एम्पलीट्यूड, यूनिट टू, एम्पलीट्यूड एंड फेज कंपेरेटर। ठीक है, यानी मंडे से। तो अटेंडेंस के लिए दिस इज द अटेंडेंस फॉर पावर सिस्टम प्रोटेक्शन। तो रिचा इज एबसेंट। रिचा क्यों नहीं आई? रिचा ने रिस्पॉन्ड किया था व्हाट्सएप में, उसके बाद आई नहीं। श्वेता इज एबसेंट, अर्शद इज प्रेजेंट, अरुण इज प्रेजेंट, सविता इज एबसेंट एंड शिवम इज प्रेजेंट। ठीक है, सही है। ठीक है जी सर। देन नेक्स्ट इज द अटेंडेंस फॉर द पावर लैब, वर्चुअल पावर लैब। तो इसमें भी रिचा एबसेंट है और श्वेता इज एबसेंट, अर्शद प्रेजेंट, अरुण प्रेजेंट, सविता एबसेंट एंड शिवम प्रेजेंट। ठीक है, दिस इज द अटेंडेंस फॉर टुडे। ओके, सो थैंक यू ऑल, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास ऑन मंडे। Thank you.